बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं वॉल सिटी लाहौर में, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये है शहर लाहौर का सबसे फेमस दहली दरवाज़ा। तो यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और ये शहर लाहौर में सुबह सुबह नाश्ते चल रहे हैं, दहली गेट के मशहूर हैं ये बिल्ला चने वाले, ये उनका सेटअप है। और ये साथ में ही ये मदनी भाई हैं, इनका लस्सी और मक्खन वगैरह का सेटअप है। ये इस वक्त हम शाही हमाम के बिल्कुल सामने हैं, बिल्ला चने वाले के पास, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पीछे आपको ये दहली गेट भी नज़र आ रहा होगा, तो ये दहली गेट का बहुत ज़्यादा मशहूर पॉइंट है। और आज यहाँ से नाश्ता किया जाएगा, बेहतरीन किस्म के चने, अंडा और साथ में मक्खन की टिक्की। ये हसन को आप देखें किस तरह पैकिंग की हुई है। लाहौर शहर में शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है इस वक्त, तो ये इतना आसान नहीं है कवर करना। आजकल तो बस अल्लाह ही अल्लाह है, यहाँ पर शदीद सर्दी की लहर आई हुई है। तो अभी हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। और ये भाई देखें, ये लाहौर शहर में सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी की जा रही है। ये बेहतरीन किस्म का मक्खन इन्होंने नाश्ते के लिए लिया है, साथ में ये मशहूर बिल्ला चने वाले से चने। और ये दहली गेट की पहचान है ये दोनों खाने, और बहुत पुराने बैठे हुए हैं ये लोग यहाँ पर, तो हम भी यहाँ से आज नाश्ता ट्राई करेंगे। ये बहुत ही पुरानी इमारत, ये बिल्कुल बिल्ला चने वाले के सामने, और एक कोने पर शाही हमाम है और दूसरे कोने पर ये इमारत है। नानक शाही ईंट का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसकी खिड़कियाँ और झरोखे आप देखें। ये नान भी आगे हैं गर्मा गर्म, यहाँ पर शदीद रश है इस वक्त, ये रश आवर है। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में विज़िटर आज लाहौर शहर का विज़िट कर रहे हैं। तेजी यहाँ पर शोर शराबा डालकर नाश्ता हासिल करना पड़ता है। ये बेहतरीन किस्म के बिल्ले के अंडा चने, साथ में ये लाहौरी कुलचा। और ये आज सिर्फ मैं और हसन ही हैं, ये देखें स्पाइडर मैन बने हुए हैं, चार चार स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन शदीद किस्म की सर्दी है ये। ज़बरदस्त सा शक्कर और देसी मक्खन का पेड़ा, बिल्कुल खालिस। ये यहाँ पर मदनी भाई हैं, जो कि 30-35 साल पुरानी सर्विस हैं इनकी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये गर्मा गर्म नान लगकर आ रहे हैं। वो पीछे मदनी भाई की कॉट है, जहाँ पर से आपको शक्कर लस्सी और ये मक्खन के पेड़े दस्तयाब हैं। और ये बिल्कुल सामने कोने पर है शाही हमाम। हसन ने नाश्ता शुरू कर दिया है, तो बहुत शदीद किस्म की सर्दी है आज। तकरीबन दिन के 11 बजे का टाइम है, और ये हसन को पसंद आए हैं चने। मैं भी कांपते हाथों से एक हाथ में सेल पकड़ूंगा, दूसरे हाथ से एक बाइट लेने की कोशिश करूँगा। कैमरा कम्बे हाथ कम्बन थे माफ़ी जे, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि आप सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भुगतें तो आपको पता चले कि किस कदर शदीद सर्दी है। बहुत ही मज़े के चने, बिल्कुल नॉर्मल मसाले इनके, हल्की सी ऊपर उन्होंने रोगन डाला हुआ है, साथ में देसी अंडा काली मिर्च से तैयार किया गया है। और एक वक्त में इनको लाहौर का बेस्ट चने मेकर का अवार्ड भी मिला था फूड अथॉरिटी की जानिब से, तो ट्राई मस्ट है शहर लाहौर के मशहूर बिल्ले के चने शाही हमाम के सामने। ये ज़रा मक्खन की आप फ्रेशनेस देखें, इसकी रंगत देखें। तो हसन ये एक भरपूर बाइट बना रहे हैं मक्खन के साथ, तो मैं तो उससे अवॉइड करूँगा, लेकिन चने खाने का मुझे मज़ा आ रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये देखें नहीं, हसन बिल्कुल देसी स्टाइल से, देहाती स्टाइल से आपका मक्खन खाकर दिखाएंगे। बहुत देर बाद जो था पता चलेगा कोई मक्खन अंदर गया। ये देखें जी,
नाम ऐसे ही नहीं बनते, क्वालिटी का मेयार होना लाजमी है। तो ये बिल्कुल एक ग्रेड चीज़ बेचते हैं, इस वजह से इनका नाम है शहर लाहौर में। मैं एक और मवाला लेता हूँ, साथ में थोड़ा सा अंडा। बहुत इस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडे काम के हाथों में गर्मा गर्म चने और नान एक अजीब सी फीलिंग दे रहे हैं। तो यहीं पर अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।